अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मरियम शमीम है और आज हमारा टॉपिक है एपीमर्स। एपीमर्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो के जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है सिर्फ एक स्पेसिफिक कार्बन एटम की वजह से। यानी उनका पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन बस एक कार्बन एटम की वजह से जो है वो एक दूसरे डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं उनका स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है लेकिन उनका जो फोर्थ कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्साइल की पोजीशन दोनों की चेंज होती है, तो इसलिए ये दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर्स हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज और मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज जो हैं ये भी एक दूसरे के एपीमर्स हैं क्योंकि इन दोनों के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्साइल की पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लेकिन हम जब देखें गैलेक्टोज और मैनोज को तो ये जो होते हैं एपीमर्स नहीं होते, ये आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इनके कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दोनों पे हाइड्रोक्साइल की पोजीशन चेंज है, तो इसलिए ये एपीमर्स नहीं होंगे, ये होंगे आइसोमर्स। क्योंकि एपीमर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन पे पोजीशन चेंज हो, तो इस वजह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर एक से ज़्यादा कार्बन पे इनकी पोजीशन चेंज होगी तो ये एपीमर्स नहीं कहलाएंगे या आइसोमर्स कहलाएंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन जो हैं वो ऐसे कार्बन होते हैं जो कि फोर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, यानी उनके पास फोर ग्रुप्स अटैच होते हैं उस कार्बन पे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मैलिक एसिड की। मैलिक एसिड के पास जो है फोर कार्बन होते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक कार्बन जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है। उनका एक कार्बन जो है वो डिफरेंट फोर ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसलिए हम उसे एसिमेट्रिक कहते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप फॉर्म इन अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर मिरर इमेजेस। एनेंटियोमर बेसिकली जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। एनेंटियोमर्स का एक पेयर होता है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। इन पेयर में जो है डी शुगर और एल शुगर होती है। ह्यूमन में पाए जाने वाले ज़्यादातर शुगर जो हैं वो डी आइसोमर्स होते हैं या डी शुगर होते हैं। डी शुगर में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है डी शुगर का, जो कि एसिमेट्रिक कार्बन में प्रेजेंट होता है, वो जो होता है राइट साइड पे होता है। और जब हम अगर हम लेफ़्ट में देखें तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट में होगा और डी शुगर में जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट में होता है। एक एंजाइम है आइसोमेरेज जो कि कन्वर्ट करता है डी शुगर को एल शुगर में और एल शुगर को डी शुगर में, यानी ये इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता है।